سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلى الله عليه وسلم پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں. हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद बिलाल शाह बुखारी साहब दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया से कि आएँ और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश फरमाएँ. तमामी अबाब मिल के मेरे साथ दुरूद शरीफ में शामिल हो जाएँ. सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैक या और मोहब्बत से पढ़े सल्लल्लाहु अलैक या. हबीब अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का वो क्या देखे कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा और तू जो चाहे तो अभी मैं मेरे दिल के तूने के खुदा दिल ही करता कभी मैं ला तेरा एक मैं क्या मेरे इशिया की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा. आवाज बल पड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दिल में हो याद तेरे को शाये तन्हाए हो दिल में हो याद तेरे को शाये तन्हाए ओ दिल में हो या
तेरे को शाशाए हो। और आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो शेर में रुसवाए हो, तब वो चाहेंगे, तब वो चाहेंगे मेरे हशर में रुसवाए हो। दिल में हो हम सब अल्लाह के घर में जमा है, जमा है, औलिया अल्लाह के साए में है, एक अल्लाह के वली की ज़ियारत कर रहे हैं। तमन्ना करें, दिल में आरज़ू करें, कि बंदे जब ख़्वाब अजल से हो हसन की आँखें, जब ख्वाब अजल से हो हमारी आँखें, तो अपनी नजरों में तेरा जलवा ऐसे पाए हो। सब मिलके, सब मिलके, या रसूल अल्लाह, अपनी नजरों, हाँ हाँ, अपनी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी और हम सब की हाजिरी लिया रहे थे मेरे शेख मोहतरम के शागिर्द शागिर्द और खलीफा खलीफा हजरत क़िबला पीर तरीकत रहबरे शरीयत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद बिलाल शाह बुखारी दामत बरकातहु क़ुदसिया, अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़ौक में मजीद बरकतें अता फरमाए। हज़रत सैयदना क़ुतुबुल अक़्ताब ग़ौसुल अग़वास सैयदना इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की शान में लिखी हुई मनक़बत, और ये मनक़बत भी लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ाज़िल जलील आलिम नबील उस्तादुल उलमा मेरे शेख मोहतरम के शागिर्द मुरीद और खलीफा हज़रत क़िबला अबू नूर मुफ्ती ज़हूर अहमद क़ादरी नूरी शाज़ली दामत बरकातहुल क़ुदसिया ने, और एक मज़े की बात आपको बताऊं कि इन्हें कलाम लिखते हुए तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया है, नातें लिखते हुए कलाम लिखते हुए। पिछले साल जो कराची में हिजबुल बाह शरीफ की ज़कात का सिलसिला हुआ उसकी आखिरी नशिस्त में मेरे शेख मोहतरम ने इनके लिए एक जुमला इरशाद फरमाया और फरमाया, मुफ्ती ज़हूर अहमद कादरी साहब शायरे सिलसिलाए शाज़लियाँ हैं, शायरे सिलसिलाए खुदा की कसम, मुंह देखी नहीं, मुबालगा आराई नहीं, अरसा दराज से इनसे ताल्लुक है, मुलाकात है 96 से, कलाम अक्सर लिखते हैं तो मुझे दिखाते भी हैं, पहले भेजते हैं बताते हैं, लेकिन जब से उस्ताद साहब क़िबला ने ये फरमाया ना, ये शायरे सिलसिलाए साज़लियाँ हैं, खुदा की कसम इनके कलाम में इनके अल्फाज में एक अलग ही रंग आ गया। और एक और बात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब कलाम लिखते हैं, कोई नात लिखें, मनकबत लिखें, बुजुर्गों की कुछ भी लिखें, उसमें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस का हवाला,
इज्जत नामों से मुस्तफा पर पहरे का हवाला लाजमी होता है इनके कलाम में। अल्लाह इन्हें भी बरकतें अता फरमाए। इन्हीं का लिखा हुआ कलाम है, आपने पहले सुना भी होगा। उसकी जमीन उसके आखिर में आता है, जहां भर में रवां सिक्का इमाम शाजली का है। हर शेर के आखिर में आएगा इमाम शाजली का है, क्या है? तो आपने ये जुमला मेरे साथ मिलकर पढ़ना होगा, क्या? इमाम शाजली का है। जहां भर में रवां सिक्का इमाम शाजली का है, जहां भर में रवां सिक्का इमाम शाजली का है, जहां भर में। हाथों को उठाकर मिलकर बोलें, जिस जिसको फैज मिल रहा है, अगर दिल इजाजत दे, दिमाग इस बात की गवाही दे कि हाँ वाकई ये हिजबुल बार के जरिए भी इमाम शाजली का फैज मिल रहा है, तो वो बोलेगा और जोर से बोलेगा, जहां भर में रवां सिक्का शाजली का है, दो आलम में बजा डंका इमाम शाजली का, दो आलम में बजा डंका हसन इब्ने अली तक आपका है सिलसिला तब ही, हसन इब्ने अली तक आपका है सिलसिला तब ही, बुलंदी पर है जो शजरा इमाम का है, जहां भर में रवां सिक्का इमाम शो। वैसे तो देखें अक्सरियत उलमा की है और असातिज़ा हैं, लेकिन मैं अर्ज करूंगा मुफ्ती रियाज अहमद साहब तिबला से कि आगे तशरीफ ले आइए, यहां आकर तशरीफ फरमा हूं। जहां भर मौलाना गुलाम अली साहब आगे तशरीफ लाइए। ये वो हस्तियां हैं जो असातिज़ा हैं, उस्तादुल असातिज़ा हैं, मुफ्ती पीरे तरीकत मुफ्ती रियाज साहब तिबला दामत बरकातहुम अल-कुदसिया। तो क्या कह रहे थे? जहां भर में रवां सिक्का, हो सकता है किसी के जहन में आया कि यार हर मुरीद अपने पीर के लिए यही कहता है, तो ये भी कह रहे हैं, तो बराबर ही खाता चल रहा है, हर एक का यही काम है, तो ये भी कह रहे हैं, कहने दो, कोई मसला नहीं। नहीं, आप गौर से सुनेंगे, तवज्जो रखेंगे, अगले अशार में इस बात की वजाहत आपको हो जाएगी कि ये ऐसे ही नहीं कह रहे, ये कह नहीं रहे, कहलवाया गया है। जहां भर में रवां सिक्का शाजली का है, दुआनों में बजा डंका, जहां सैराब होते हैं खुदा के औलिया बेशक, जहां सैराब होते हैं खुदा के औलिया बेशक, विलायत का हसी चश्मा इमामे का है, जहां भर में रवां सिक्का इमामे अल्लाह, और दुरूद ताज हो वल्लाह, दुआए हिज्ब हो बेशक। अब उस बात की वजाहत हो रही है, जहां भर में रवां सिक्का इमाम शाजली का है, दो आलम में बजा डंका। कैसे डंका बज रहा है? दुरूदे ताज हो वल्लाह, दुआए हिज्ब हो बेशक, ये सारा फैज है किसका का है, ये सारा फैज है किसका, और मोहम्मद बिन सुलेमान की दलाइल या बुसीरी का। दलाइल खैरा शरीफ कसीदा बुर्दा शरीफ। मोहम्मद बिन सुलेमान की दलाइल या बुसीरी का कसीदा
पुर्दा है किसका कसीदा, पुर्दा है किसका इमाम है जहां भर मेरा वासे का शाज़ली का है जहां भर मेरा हकीकत में कोई हो पार साया हो वली कोई हर एक झोली में ही सदका इमाम शाज़ली का है और क्यों ना हो कि नबी के नूर से हिस्सा मिला है इस कदर देखो के मानिंदे महर चेहरा इमाम आलम अरवाह में इमाम शाज़ली फरमाते हैं आलम अरवाह में अल्लाह करीम ने मुझसे फरमाया अबुल हसन अपने मुरीदीन चुन लो मुंतखब कर लो। अल्लाह अकबर फरमाते हैं मैंने लोगों पर नजर की ना रूहों पर नजर की तो मुख्तलिफ चेहरे थे कुछ बुझे हुए भी थे कुछ सियाह भी थे कुछ सितारों की तरह रोशन थे कुछ चांद की तरह रोशन थे कुछ सूरज की तरह रोशन थे। फरमाते मैंने क़यामत तक आने वाले अपने लिए जो चुने ना वो कौन से चुने हैं सितारों की तरह रोशन चांद की तरह रोशन और सूरज की तरह रोशन। फरमाया नहनु मुख्तारूना फिल लौहिल महफूज शाज़ली लोहे महफूज में चुने हुए हैं। तो चुने हुए हैं आप भी ऐसे ही नहीं आए हुए आप किसी के बुलाए हुए आए हैं किसी ने बुलाया है तो आए हैं तो ऐसे नहीं आ गए तो चुने हुए चमकदार चेहरे और खुदा की कसम यहाँ भी चमक रहे हैं न सिर्फ चमक रहे हैं चमका रहे हैं जिसे देखो चमक ही चमक है रोशनी ही रोशनी है और नूर ही नूर बढ़ता जा रहा है। क्यों नबी के नूर से हिस्सा मिला है इस कदर देखो के मानिंदे महर चेहरा इमाम शाज़ली खुदा तक हो रसाई है सलासिल का यही मकसद हर सिलसिले का मकसद है खुदा तक रसाई। लेकिन ये सिलसिला शाज़लिया इमाम फरमाते मैं अल्लाह की तरफ पहुंचने के रास्तों में से असहलुत तरीक व अकरबुत तरीक आसान तरीन और सहल तरीन करीब तरीन रास्ता लेकर आया हूँ। फरमाते मेहनतें मैंने कर ली हैं मेरे मुरीदों को ज्यादा मेहनतों की जरूरत वो जंगलों में निकल जाने की गारों में जाने की जरूरत बस हिजबुल बार पढ़ता रहे और मंजिलें हासिल करता रहे हिजबुल बार पढ़ता रहे मंजिलें पाता रहे खुदा तक हो रसाई है सलासिल का यही मकसद है अकरब सब से जो रास्ता इमाम शाज़ली का है और है जोरो
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین کرام تو میرا ارادہ تو یہ تھا کہ حزب البحر کے کچھ مختصر شرح آپ کے سامنے بیان کی جائے مگر اس کے فضائل و برکات وہ بھی ایک بڑا طویل موضوع ہے کہ اسی کو ہم بیان کرنے جائیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں اور اس کی شرح کا معاملہ تو یہ کہ اس امت کے بڑے بڑے اولیاء کرام بڑے 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 علماء کرام نے تو بڑے بڑے بزرگوں نے باقاعدہ اس کی شرح لکھی جن میں سے چند ایک کا میں ذکر کر دیتا ہوں جس طرح کے حضرت داؤد بن عمر ماخلی رحمت اللہ تعالی علیہ اللطیفۃ المردیہ کے نام سے آپ کی شرح ہے اور عربی زبان میں ہے انٹرنیٹ پر آپ کو مرل پرچیز کرنی پڑے گی وہ چھپی ہوئی ہے شرح اسی طرح شیخ احمد زروق بہت بڑے اولیاء کبار میں سے گزرے ہیں اپنے زمانے کے غوث گزرے ہیں اور امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں آتے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ اس کلام کی شرح لکھی ہے اسی طرح کتنی یعنی شروعات جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں خلاصۃ الازہر یہ سید محمد قاوق جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی شرح ہے تو یہ کلام خود ایسا معرفت والا کلام ہے کہ اس کی شرح بزرگوں نے بیان کی تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور البتہ اس امت کے اندر ایک بدنام ترین شخصیت جس کو ابن تیمیہ کہتے ہیں تو اس نے اس پر اعتراض بھی کیا تو ابن تیمیہ کا اعتراض کا جواب خود حضرت شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی کے زمانے کے ہیں انہوں نے باقاعدہ دیا اور پھر ابن تیمیہ کے غلط عقائد پر آپ نے اس سے باقاعدہ اس سے مناظرہ کیا ابن تیمیہ کو پکڑ کے اس کے پاس پہنچے اس سے جا کے مناظرہ کیا اور اس کو خاموش کرایا پھر انہی کے شاگرد امام تاج الدین سبکی شیخ الاسلام شافعیہ کے یہ حضرت احمد ابن عطا اللہ اسکندری کے مرید و خلیفہ ہیں اور شاگرد بھی ہیں شافعی مذہب میں تو انہوں نے تو باقاعدہ ابن تیمیہ کا ناطقہ بند کیا اور بڑے جواب دیے انہوں نے ابن تیمیہ کے سارے اعتراضات کے تو اس کتاب کی شروعات بہت بزرگوں نے اس حزب کی شروعات بہت بزرگوں نے لکھی ہے تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی عظیم یعنی دعا ہے اور اس کے حوالے سے اتنی بات بھی ذکر کر دوں میں کہ یہ چونکہ دعا آیات و احادیث پہ مشتمل ہے اور آیات و احادیث وہ ساری کے ساری قرآن سے آیات اور احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ہے ایک مرتبہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزرے تو کبھی وہ ایک سورت کی آیت پڑھتے تھے کبھی دوسری سورت کی آیت پڑھتے تھے کبھی تیسری سورت کی آیت پڑھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ہے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو خوشبو میں ملا کے ایک نئی خوشبو بنا رہا ہوں تو اسی طرح اس دعا کے اندر بھی مختلف آیتیں مختلف صورتوں کی ہیں ان کو ملا کے خوشبو تیار کی گئی ہے ایک تو وہ دعائیں جو ہے وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں تو یہ احزاب یا حزب دعا کو کہتے ہیں تو اس کو حزب البحر کہنے کی وجہ اس کی شان ظہور ہے کہ یہ کس طرح سے وجود میں آئی مختصر یہ کہ قطب الاقطاب سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ آپ حج کے لیے آئیں اچھا اس وقت قافلے جا چکے تھے ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا تو بہرحال آپ نے اپنے مریدین سے کہا جہاز تیار کرو جہاز تیار ہوا جہاز میں بیٹھ گئے تو پہلے جہاز چلتے تھے ہواؤں کے دوش پر
अब वो हवाएं जो थी वो जद्दा की तरफ नहीं चल रही थी, बल्कि जद्दा की मुखालिफ समत यानी इस्कंदरिया की तरफ चल रही थी। तो इंतज़ार करने लगे कि हवाएं अपना रुख बदली करें तो फिर कोई काम बने। एक हफ्ता गुजर गया। अच्छा, इमाम शाज़ली का जैसे मैंने जुमे में जिक्र किया, मुखालिफिन तो आपके थे और औलिया के हर ज़माने में मुखालिफिन होते हैं। औलिया से मरा जो वाकई औलिया है, मतलब कि दो नंबर का तो हर एक मुखालिफ होता है, ठीक है ना, जो इल्म दीन से फारिग हो दो नंबर ही होता है वो, क्योंकि अल्लाह ताला किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाता, ये असूली बात आप सुन लीजिए। तो हाँ, जिसको बना लेता फिर उसको जाहिल नहीं रहने देता, ये भी बुजुर्गों का कौल है। तो आपके मुखालिफ थे, उन्होंने कहा लो जी इनको तो अब काफिले जा चुके हैं, अब इनको जो हुक्म हुआ है। फिर जब जहाज चला नहीं तो और उनको एतराज़ करने का मौका मिला, ले जी इनको तो हुक्म हुआ था, अब तो हवाएं भी साथ नहीं दे रही है इनका, ये झूठे हैं, इस किस्म की बातें उन्होंने की। तो इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह चूँकि कामिल औलियाए किराम में से थे, और कामिल औलियाए किराम की ख़ास बात यह है कि वो शिकवा अपनी ज़बान पर लाते नहीं हैं। मतलब ये नहीं बोला कि मुझे तो हुक्म हुआ था फिर ये क्यों नहीं, ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन इंसान होने के नाते दिल में बात आती है। तो खुद भी लगता है। अब इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे दिल में कलक था, इस्तराब था, ये क्या मामला हो रहा है, लेकिन मैंने ज़बान से नहीं कहा। तो फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। तो ये इब्तदाई ज़माना होगा आपका, यानी आखिरी ज़माने में तो आपको हर वक्त ही ज़ियारत हुआ करती थी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबुल हसन ये दुआ पढ़ो। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज़्बुल बहर तालीम फरमाया, इसलिए इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वल्लाही लकद अखस्तु हरफन हरफन मिन फी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह की कसम इस दुआ का एक एक लफ्ज़ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहने अक़दस से लिया है। फिर आपने वो दुआ लेके अपने मुरीदीन से कहा पढ़ो, तो कहते कि 360 की तादाद में पढ़ा गया वो। उसके बाद हवा हो तो मुखालिफ चल ही रही थी, आपने कहा कि भाई जाओ जाके लंगर खोलो। तो जहाज़ का कप्तान ईसाई था, उसने कहा कि हजरत अभी मैं जहाज़ का लंगर खोलूँगा तो ये हवा उड़ा के जाके साहिल से टकराएगी हमारे जहाज़ को। तो आपने कहा मैं कह रहा हूँ खोल दे तू। वो जब खोलने के लिए गया तो उसी वक्त हवाओं ने रुख बदल लिया और इतनी तूफ़ानी हवाएं चलने लगी कि लंगर खुल नहीं सका। लंगर होता वो रस्सी जिससे जहाज को बांधा जाता है, उसको गिरा लगाई जाती है, वो गिरा इतनी टाइट हो गई कि खुल नहीं सकी, उसको काटना पड़ा। उसको काटा तो अब जहाज चल पड़ा। अब इमाम खुतब लगता इमाम शाज़ली की ये करामत उस ईसाई के दो बेटों ने देखी तो वो दोनों मुसलमान हो गए। ईसाई बड़ा परेशान हुआ कि ले भाई मेरे बेटे मेरे हाथ से निकल गए, बड़ा गम में था वो। इसी गम के आलम में उसको नींद आ गई, तो ख्वाब में देखता है कि कुतुब लखताब सैयदना माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, आ जाओ ये माशाल्लाह मुसलमान होना चाहते हैं, तो हम अपनी गुफ्तगू को रोक कर पहले यही काम करते हैं। आ जाओ बेटा। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो दो हाथ अपना कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, मैं अपने तमाम बुरे अकायद से तौबा करता हूँ, अपने पिछले मज़हब से तौबा करता हूँ, और मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। अब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो माशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपको बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हां हाँ हाँ मोहम्मद साहिल इंशाल्लाह ताला ये हाँ इंशाल्लाह तबारक ताला। तो मोहम्मद साहिल शाज़ली इनका नाम है आज से इंशाल्लाह ताला। पुराना नाम साहिल था तो हमने उसको मोहम्मद लगा के मुसलमान कर लिया। तो जिस तरह ये मुसलमान और नाम भी मुसलमान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ पे सरकार का नक्श आ जाए तो फिर सभी मुसलमान हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे फजल फरमाए। चलो माशाल्लाह। तो दुआ करें तमाम हज़रात के अल्लाह ताला इनको इस्तेकामत अता फरमाए और इनको सच्चा मोमिन बनाए और कामयाब लोगों में शामिल फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था वो कप्तान सो गया और सोते में देखता है कि कुतुब लगता है इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदीन के साथ जन्नत की तरफ जा रहे हैं और पीछे पीछे उसके दोनों बेटे जो मुसलमान हुए थे वो भी जन्नत की तरफ जा रहे हैं। तो इसने कहा कि भाई मैं भी जन्नत में जाऊंगा। तो फरिश्तों ने उसको रोक लिया और फरिश्तों ने कहा कि नहीं, इसमें सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला ही जा सकता है, ये जन्नत उन्हीं के लिए है। तो ये उसने जब ये सुना उसकी आँख खुल गई और वो भी फिर मुसलमान हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिज़्बुल बहर की इस तरह से ये ज़हूर हुआ। फिर कुतुबुल अख्ताब इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह की इजाज़त से फिर पूरी दुनिया में मुसलमानों में फैल गया और पूरी दुनिया में इसका विर्द किया जाता है। तो वो फिर एक अलग मौजू हम इसकी तरफ आते हैं। तो इसके फ़ज़ाइल और बरकात के हवाले से कुछ कार्ड पर भी लिखे हुए हैं तो आपने देखा, लेकिन सैयदना अहमद ज़र्रूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसको दरिया को कूजे में बंद करना, वे फरमाते हैं कि जिस नीयत से पढ़ा जाए वो काम हो जाता। अच्छा हमारे दोस्त हैं उलमा हैं अहबाब हैं तो उनको कोई मुश्किल होती है तो अदद कोई वजीफा बता दें तो मैं उनसे यही जुमला कहता हूँ हमेशा कि आपको मालूम नहीं हिज़्बुल बहर हर काम के लिए है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम के लिए पढ़ा जाए चाहे ज़मीन होगा चाहे आसमान होगा इंशाअल्लाह ताला वो काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों का काम भी होता है। यहाँ पर तो हमारे दोस्त भी मौजूद है जिन्होंने अपनी आँखों से भी देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह बादलों पे भी हिज़्बुल बहर का हुक्म चलता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन वो एक एक वाक़ियात में करके बताऊँगा आपको तो बात लंबी हो जाएगी। तो हिज़्बुल बहर के फ़ज़ाइल और कमालात बेशुमार है। मुख्तसर ये है कि इसके पढ़ने वाले का दुश्मन कभी कामयाब नहीं हो सकता, कोई दुश्मन कभी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता और जो इसका आमिल हो जाए तो उसके ऊपर गोली गोला तोप बंदूक तीर तलवार चाकू छुरी खंजर कोई चीज़ उस पर असर नहीं करती। और अगर वो इखलास के साथ हिज़्बुल बहर पढ़ने वाला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुखालिफ भी दोस्त बन जाते हैं और माविन बन जाते हैं, मददगार बन जाते हैं। ये बाकायदा देखी हुई बात है, कितने लोग जिनका अपना तजर्बा यहाँ पर है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके अपने उनके मुखालिफ थे लेकिन हिज़्बुल बहर की बरकत से वो सब के सब उनके हिमायती हो गए, उनके साथ मिल गए। और छोटा काम हो या बड़ा काम हो इसमें कोई मसला नहीं है। मसला कोई मेरे पास आता है और आके कहता है कि हजरत मेरे को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना है, कोई वजीफा दे दो, तो मैं उसको कहूँगा तो हिज़्बुल बहर पढ़। ठीक है, कोई कहता है खाने के लिए रोटी मेरे पास नहीं है, मैं कहूँगा कि हिज़्बुल बहर पढ़। तो हर काम के लिए बस आपका यकीन होना चाहिए और यकीन की बदौलत इंसान जो है सब कुछ कर जाता है। तो ये वो दुआ है जो कि आम दुआ नहीं है बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफा है। और तोहफा जो है हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक देता है।
समझ रहे हैं। अब जिसने तोहफा दिया उसकी हैसियत देख लो, क्या हैसियत है उनकी। हैसियत यह है कि فإن من جودك الدنيا وذرتها कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया और जो कुछ है। इमाम बसेरी क्या कह रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया और आखिरत ये सब कुछ आपकी सखावत का एक जर्रा है। तो उनकी हैसियत तो ये है, तो वो फिर अपनी हैसियत के मुताबिक जब तोहफा देंगे तो फिर वो तोहफा भी ऐसा ही होगा। तो दुनिया आखिरत को आप इस हिज्बुल बहर के जरिए जीत सकते हैं, दुनिया आखिरत आप हासिल कर सकते हैं। अभी बताया था मैंने लोगों ने विलायत को कितना मुश्किल किया हुआ कि विलायत के नाम पर ही लोगों को चक्कर आते हैं कि नहीं जी ये हर एक के बस का काम नहीं है वली बनना, नहीं जी इसके लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, नहीं जी इसके अंदर तो सालों गुजर जाते हैं जी, ये तो रियाजतें करनी पड़ती हैं, मुशक्कतें करनी पड़ती हैं, धक्के खाने पड़ते हैं भाई, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लोग ये कहते हैं। और मैंने आपको जुमे के दिन बताया हजरत गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह का कौल, जो इसको हज़ार दफ़ा पढ़ ले वो औलिया की फहरिस्त में शामिल हो जाता है। अब आपके लिए कितना आसान कर दिया विलायत को इस कलाम ने कर दिया, लेकिन मयसर उसको ये आता है जिसको जिसको वली बनना है। अरे को मयसर नहीं आता, हाँ बोलेंगे सब यार ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन मैंने देखा यही कि जिसके नसीब में विलायत है उसको फिर बाकायदगी मिल जाती है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी मौजूद हैं कि जिनको इसको बाकायदा तजर्बे हुए हैं इनको, कि इसके पढ़ने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कुर्बतें हासिल हुई है। और एक इसका ऐसा तजर्बा, यानी चाहे वो आलिम हो चाहे गैर आलिम हो, जो इसको बाकायदगी से पढ़ने लग जाता है ना, हमने ये देखा है कि वो कहता कि मेरा अब अल्लाह पे भरोसा हो गया, अब मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं रही है। तो मेरे भाइयों यही तो विलायत है, इसी का नाम तो विलायत है। विलायत को हवाओं में उड़ने का नाम नहीं है, कोई पानी पे चलने का नाम नहीं है, या आग खाने का नाम नहीं है, विलायत तो अल्लाह ताला के कुर्ब का नाम है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में कितनी जगहों पर अल्लाह ने फरमाया, उसका मफहूम की आयत में बता रहा हूँ, हसबनल्लाहु नेमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, वो बेहतरीन मददगार है। ये तमाम अंबिया की तालीमात का खुलासा आई है कि बंदे को अपने रब पे एतमाद हो जाए। फरमाया कि रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला, कि वो मशरिक और मगरिब का रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी को तू अपना मददगार बना ले। वो क्या कहता है, वो वही है तवक्कल अल्लाह फ हुवा हस्बु, और जो अल्लाह पे भरोसा कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। वो यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता। तो कुरान और सुन्नत की तमाम तालीमात का निचोड़, बल्कि गुज़िश्ता तमाम अंबिया किराम की तालीमात का निचोड़ यही है कि वो बंदे को अल्लाह पर भरोसा हो जाए। फिर ये भरोसे के दर्जात हैं, वो फिर एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन भरोसा आपको हो गया तो विलायत में आपने कदम रख दिया, यही सबसे बड़ी बात है। तो ये एक तजर्बा है हमारा, पढ़ा लिखा आदमी हो या आम आदमी हो, कहता हजरत अब फिक्र नहीं रही है कोई, बस अल्लाह पे बड़ा भरोसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दुनियावी मामलात हैं, बड़े बड़े कर्जे वाले लोग जिनके ऊपर करोड़ों रुपए के कर्जे थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ के बाकायदगी करने से उनके कर्जे अदा हो गए। कितने लोग थे जिनके घर नहीं थे, उनको कहा तुम पढ़ना शुरू करो, अल्हम्दुलिल्लाह उनको घर मिल गए। कितने ऐसे लोग जिनके काम नामुमकिन थे, इंग्लैंड में एक लड़का तकरीबन 6 माह की उम्र में अपनी माँ से जुदा हुआ और वो अलग हो गए, माँ पता नहीं कहाँ थी और बेटा पता नहीं कहाँ था। वो 27 साल की उम्र में लड़का हमसे मिला और कहने लगा कि हजरत मुझे अपनी माँ से मिलना है, कोई अमल बताएं कि मेरी माँ मुझे मिल जाए, मैंने तो देखा भी नहीं है उसको और पता भी नहीं है कहाँ पर है। मैंने कहा मेरे भाई हमारे पास एक ही वजीफा है, अगर तो अल्लाह पे तवक्कुल करके उसको पढ़ना शुरू कर दे तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की रहमत से तेरी माँ तुझे मिल जाएगी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल उसने पढ़ा और उसकी माँ उसको मिल गई। तो अब ये एक अनहोनी बात है कि पता नहीं कौन थी किधर रहती है, कहाँ थी, क्या कौन रिश्तेदार है, किस तरह से सारे मामला तो है। लेकिन ये देखें, और बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। एक वाक्या और बता दूं मैं कि हमारे एक अहबाब हैं, तो वो पहले, अब तो उनका विसाल हो गया, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, तो वो पाकिस्तानी फौज में थे और उनकी ड्यूटी थी पूंछ सेक्टर में, तो वहाँ पर उनकी ड्यूटी थी। कहने हम अपनी चौकी में थे तो इंडिया के फौजियों ने हम पर हमला की, बमबारी की, और इतने बम बरसाए कि अगर हर चीज़ उसमें तबाह हो जाती, बड़े बड़े मार्टर गोले उन्होंने फेंके, लेकिन हमारी चौकी को कुछ भी नहीं हुआ और हम में से किसी आदमी को भी कुछ नहीं हुआ। और कहले मैं सिर्फ हिजबुल बहर खोल के बैठ गया और मैं हिजबुल बहर पढ़ता रहा। हमने सफ़ेद झंडे भी लहराए लेकिन इंडियन फौजियों ने कोई परवाह नहीं की और हम पर बमबारी करते रहे। कहले उसके बाद फिर जब हमने बमबारी की तो 2-4 गोलों में उनकी पूरी चौकी हमने उड़ा के रख दी, और पता नहीं इतने उनके कितने लोग मारे गए। अगले दिन इंडिया के अखबारों में खबर लगी कि पाकिस्तान ने को दुनिया का जदीद तरीन असला खरीद लिया कि जिसकी वजह से ना तो उन पर मार्टर गोले असर करते हैं और उनके चंद गोलों ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। कहले हमारी फौज का जो कमांडर था वो आया, कहले तुमने क्या किया था? तो मैंने कहा हमने तो कुछ नहीं किया, ये दुआ है। वो शजरा था उसके पास हिजबुल बहर का जो हमारा है। कहले ये पढ़ता हूँ। उसने कहा कि यार अभी तुम फ़ोन करो और मुफ्ती साहब से फ़ोन करके मेरी जितनी भी प्लाटून है उन सब के लिए इजाज़त ले लो तुम। उसने उसी वक्त फ़ोन किया, उसके लिए अपने कमांडर के लिए भी इजाज़त ली और पूरी फौज की जो प्लाटून थी उन सब के लिए भी हिजबुल बहर की इजाज़त ली। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बहरहाल इसकी कमालत बेशुमार है। इसकी इब्तिदा या अल्लाह से भी करते हैं, अल्लाहुम्मा से भी करते हैं, और बाज़ लोग सिर्फ डायरेक्ट या अलियो या अजीमो या हलीमो या हलीम पढ़ते हैं। और ये चारों के चारों इस्म जो है इसमें आज़म है, और ये अल्लाह तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि इसमें आज़म है। हजूर सैदना पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर महबूब सुबानी सैदना गौसल आज़म रमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि तू अल्लाह के और तेरे दिल में उसके सिवा कोई भी ना हो तो यही तेरे लिए इसमें आज़म है। तो ये तो बिला शुबा इसमें आज़म है ही, लेकिन ये चारों के चारों जो है या अली या आज़िम या हलीम या आलिम मुख्तलिफ दवाओं में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसमें इशारा किया गया है कि ये इसमें आज़म है। और इनका कमाल बड़ा अजीब है, क्योंकि इसमें आज़म होता वो ये कि जिसके वसीले से कोई दुआ की जाए तो रद्द नहीं की जाती। और सहाबा के इसके शारीन में से एक शार ने लिखा कि सहाबा किराम का एक, बल्कि ताबईन का एक गिरोह जिनमें एक सहाबी भी थे, वो किसी जगह से गुजर रहे थे सहरा से, पानी ख़त्म हो गया, पानी नहीं मिल रहा, बहुत तलाश किया, तो उन्होंने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हज़रत पानी ख़त्म हो गया, पानी नहीं मिल रहा। तो आपने फरमाया अच्छा मुझे कुदाल ला के दो। आपने कुदाल हाथ में पकड़ी और कहा या अल्लाह या अली या अज़ीम या हलीम या अलीम कद अजज़ना, ये कहकर उन्होंने कुदाल ज़मीन में मारी। यानी मतलब ये है कि ये चारों नाम जिक्र किए और कहा अल्लाह हम पानी की तलाश से आजिज़ हो चुके हैं, ये कह के जब उन्होंने कुदाल मारी तो ज़मीन से पानी का फुहारा निकला। तो ये ऐसे इसमें आज़म है, इतने ज़बरदस्त इनके कमालात हैं। तो अंत रब्बी व इल्म हस्बी, तू मेरा रब है और तेरा इल्म मेरे लिए काफ़ी है। फ़न्नेम रब रब्बी व नेम हस्बु हस्बी, बस तू कितना बेहतरीन रब है और तू कितना बेहतरीन है, किफ़ायत करने वाला तू मेरी किफ़ायत है, ठीक है, जिस पे यानी मुझे भरोसा है। तो अब ये जो अल्फाज आपके हैं तो ये बड़े आला किस्म के अल्फाज है, और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौल की तलमी है कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला जा रहा था तो आपको मंजनीक में डालकर जब आपको उछाला गया
तो आप हवाओं में उड़ते हुए आग की तरफ जा रहे थे। अभी रास्ते में थे कि जिब्रील अमीन सारी सूरत हाल देख रहे थे और वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, या रब तेरा खलील, या रब तेरा इब्राहिम, यानी मुझे इजाज़त दे मैं जाके कुछ मदद कर दूँ। तो रब ने फरमाया था जाओ जाके मदद कर दो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उसी वक्त तशरीफ़ लाए। अभी आप हवा में थे, आगे जाके आपको आग में गिरना था, तो जिब्रील अमीन ने आके पूछा, या जिब्राइल अलग हाजत, ए जिब्राइल तुम्हें कोई हाजत है क्या, कोई मदद की ज़रूरत है? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो उस वक्त तौहीद के दरियाओं के अंदर गोता ज़न थे, और जब तौहीद के दरिया में बंदा गोता ज़न होता तो उसको रब के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता, अपने आप को भी भूल जाता है। तो जिब्रील अमीन हालांकि आपके पास आते जाते रहते थे और आपको पता था कि अल्लाह के ख़ास बंदों में से जिब्रील अमीन, लेकिन वो तौहीद की जब मैं चढ़ती है तो फिर किसी को नहीं देखती। तो कहते हैं जिब्रील हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या हाँ हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है। अब ये होता कुर्ब का ख़ास मकाम, गैरुल्लाह अल्लाह के जो बंदे उनसे मदद मांगना जायज़ है, कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, अगर नाजायज़ होता तो जिब्राइल क्यों आते? नाजायज़ होता जिब्राइल क्यों आते? मगर बात यह कि ये इससे बुलंद मरतबा है कि बंदा अपनी निगाह सबसे हटाकर अपने रब पे लगा दे। तो इसी निगाह को पैदा करने के लिए कह रहे हैं कि नेमर अंत रब्बी व इल्मुका हस्बी, तू मेरा रब है, तेरा इल्म मेरे लिए काफ़ी है। फनेमर रब रब्बी व नेमल हस्बु हस्बी, कितना अच्छा मेरा रब है और कितना अच्छा मेरा गुमान है। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने जब ये सूरत हाल देखी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद की, तो फरमाया कि फिर उससे सवाल करो ना, तुम्हें अपने रब से हाजत है, मुझसे नहीं है, तो अपने रब से सवाल करो। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि उसका इल्म मेरे लिए काफ़ी है। हाँ इल्म का हस्बी, तेरा इल्म मेरे लिए काफ़ी है। तो अब फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में चले गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम की मदद नहीं ली। अच्छा वो भी पूरा पूरा आजमाता है, अपने करीब करने से पहले कोई चीज़ छोड़ता नहीं है, वो हर चीज़ उसे साफ़ कर देता है। तो हर चीज़ से जो साफ़ हो गया वो उसका करीब हो जाता है। तो उसी मकाम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया गया, मकाम खिल्लत जो है आपको उसी मकाम पर। तो आग में आप गए, आग को अल्लाह ने हुक्म दे दिया, या ना रुकुनी बर्दम सलाम अला इब्राहिम, ए आग तो ठंडी हो जा सलामती के साथ इब्राहिम पर। और कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ पे 40 दिन रहे और वहीं पर आपको जो है खलत पहनाई गई खलीलियत की, खलील होने की। तो ये वो अल्फाज है जिसकी तरफ इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह ने इशारा किया, तंसुरु मन तशाउ अंतल अज़ीज़ुर रहीम, तो जिसकी चाहता है मदद फरमाता है और तो बहुत ज़बरदस्त और रहम फरमाने वाला है। तो अब ये देखिए कि दुआ मांगने का तरीका होता है, तो अल्लाह ताला से जब अगर मदद तलब करनी है तो अल्लाह की सिफात को बयान करना होता है, यानी पहले अल्लाह ताला की तारीफ करें, जो हमें सिखाया गया जिसको हम कहते हैं अल्लाह की हमद करें। तो जो इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तंसुरु मन तशाउ, तो जिसकी चाहता मदद फरमाता है, तो ये अल्लाह की सिफत को बयान किया कि अल्लाह तो नसीर है, तू मदद करने वाला है। तो उसी तरह इशारा किया, फिर कहा कि अंतल अज़ीज़ुर रहीम, कि तू ज़बरदस्त यानी कहर वाला भी है और तू रहम वाला भी है। तो बात यह है कि कोई दुश्मन कितना ताकतवर क्यों ना हो, तेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तू मदद कर सकता हर मकाम पर, हर मौके पर। और कहाँ देखो अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की, देखा ना। और साथ में कह दिया रहीम, और रहीम कहने का मकसद है अगरचे कि मैं अपने बद अमालियों की वजह से इस काबिल तो नहीं हूँ कि तेरी बारगाह के करीब आ सकूं, मगर तू रहीम भी है, तू हम पर पर्दा फरमाने वाला, हमारे गुनाहों को बख्शने वाला है। बड़े इमाम शाज़ली के इतने प्यारे अल्फाज हैं जो शहद से ज़्यादा मीठे हैं, दिलों को सुकून देने वाले। ये अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, आपका जो हिज़्ब कबीर है उसके अंदर आप क्या अल्फाज कहते हैं अल्लाह की रहमत को तलब करने के लिए?
या मन हुआ 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 या हुआ इन लम नकुर लिरहमति का अहलन अन ना रहा, ए अल्लाह अगर हम इस काबिल नहीं कि तेरी रहमत को हम पा सकें, पर रहमत को अहलुन अंत ला रहा, लेकिन तेरी रहमत तो इस काबिल है कि जो हमको पा ले, हमको ढांप ले। तो बड़े प्यारे अल्फाज उस दुआ के अंदर, हिजबे कबीर पढ़ना मैसर आ जाए तो क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि नसअलुकल इस्मत फिल हरकाति व सकनाति वल कलिमाति वल इरादाति वल खतराति मिन शकूक व जुनूनी वल औहाम सातिरति लिल कुलूब अन मुतालियतिल गुयूब। तो ये बड़े जामे अल्फाज है और बड़े कामिल अल्फाज है, और ये वो अल्फाज है जो इंसान के दिलों से पर्दे को हटा देते हैं, पर्दों को दूर कर देते हैं। अब इसमें आप दुआ कर रहे हैं कि हम तुझसे इस्मत का सवाल करते हैं। देखिए इस्मत कहते हैं हिफाजत को, और हिफाजत दो किस्म की है। अगर वो अंबिया के लिए है तो वो हिफाजत कुल्ली है, जिसको हम इस्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो ख़ास है उस ज़माने में उर्दू ज़बान में हमारे अतबार से। और अगर वो हिफाजत औलिया के अतबार से तो उसका मफहूम कुछ और है। और दोनों में फ़र्क ये है, और पिछले दिनों इस बात पर काफ़ी लोगों ने झगड़े भी किए, काफ़ी मामलात को ख़राब भी किया कम इल्म लोगों ने, हालांकि मफहूम दोनों का अलग अलग है। कि नबी के हक में जब हिफाजत या इस्मत का लफ्ज़ बोला जाएगा तो उसका माना यह है कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, उससे सदूर ही मुमकिन नहीं है, वो हाल बिल गैर है। नबी के हक में गुनाह का सदूर मुमकिन नहीं है, मुहाल है, मगर मुहाल बिल गैर है कि अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। और जबकि वली के हक में गुनाह का सदूर मुमकिन है, उससे गुनाह हो सकता है और गुनाह हो जाता है, मगर उसके हक में इस्मत का माना यह है कि गुनाह हो जाता है मगर अपने गुनाह पे कायम नहीं रहता, फौरन तौबा कर लेता है, उसके हक में इस्मत का माना यह है। ये नहीं है कि नहीं जी वो हो तो सकता है लेकिन होगा नहीं, ये गली अजीब बात निकाली है तुमने कि हो तो सकता है मगर होगा नहीं, ये क्या बात कही तुमने। अगर ये बात तुम्हारी दुरुस्त है तो इस उम्मत में जो सबसे बड़े औलिया किराम है वो कौन से है, सहाबा किराम है। कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस सहाबा के कदमों तक नहीं पहुंच सकता, इतना बुलंद अल्लाह ने उनको विलायत में मकाम अता फरमाया। तो जब ये बात मुसल्लम है कि सहाबा इस उम्मत के सबसे बड़े औलिया हैं, लेकिन उसके बावजूद हदीसों में वाकयात आ रहे हैं चोरी करने के, हदीसों में वाकयात आ रहे हैं हाथ कटने के, हदीस में वाकयात आए दांत तोड़ने के, गाली देने के, झगड़ा करने के, कत्ल करने के, जिना करने के, वो किन के वाकयात हैं? वो उन्हीं के वाकयात हैं जो इस उम्मत के सबसे बड़े वली हैं, जो इस उम्मत के सबसे बड़े औलिया हैं। तो अगर तुम्हारा वो अकीदा है कि कर सकते हैं मगर करेंगे नहीं, तो हदीस में तो एक वाकया भी नहीं आना चाहिए था। ये बात समझने की, अकीदे का मसला, ये मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ मैं। तो हिफाजत का मतलब ये है कि हो सकता है मगर वो कभी अपने गुनाह पे कायम नहीं रहेगा, फौरन तौबा कर लेगा। और तौबा की कैफियत वो भी हदीस शरीफ में आई है कि या रसूलल्लाह ताहिर नहीं या रसूलल्लाह, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह फेर लेते हैं, आगे सामने से कह रहा है या रसूलल्लाह मैंने जिना कर लिया मुझे पाक कर दीजिए, हजूर ने मुँह फेर लिया, यानी चांस दे रहे जा चला जा। वो फिर यहाँ से आया था या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, फिर आप मुँह फेर लेते हैं, फिर इधर से आ जाता, फिर कहता या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, फिर आप मुँह फेर लेते हैं, फिर पीछे से आ जाता या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दीजिए। ये देखें कैसी वो तौबा करते हैं, फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये देखो उसने कोई नशा वशा तो नहीं किया हुआ कि नशे के अंदर ये बातें बोल रहा, कहेगा नहीं या रसूलल्लाह नशा नहीं किया हुआ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको संसार करते हैं। लेकिन एक साहबी ने संसार करने के दौरान उसके सर पर ऊँट की हड्डी मारी, क्यों पत्थर से मारना ही होता संसार का मतलब, और ये कितना दिल बड़ा गुर्दा है सहाबा इकराम का कि अपनी जान को पाक करने के लिए पेश कर दिया, ये हिफाजत है उनकी।
और जब खून का फुहारा निकल के साहबी के कपड़ों पे गिरा तो उन्होंने गाली बकी, तो नबी ने फरमाया कि खालिद इसको गाली मत दो, इसने ऐसी तोबा की है अगर पूरे मदीने वालों में भी तकसीम कर दिया जाए वो तोबा काफ़ी हो जाएगी। ये होते हैं हिफाजत। वो हिफाजत का मतलब नहीं है जी कर तो सकते हैं मगर करेंगे नहीं। तो ये इस्मत का माना, क्योंकि एक बीच में बात आ गई थी लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। तो हम यहाँ पर जो इस्मत तलब कर रहे हैं वो हिफाजत के मानों में, ठीक है। और एक और दिलचस्प बात बता दूँ, बात आगे का अकीदे का मसला है। इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह से आपके ज़माने के एक बड़े वली जिनका नाम मकीनुद्दीन असमर था, वो ऐसे वली थे, वो कहते थे कि मुझ पर किसी इंसान का कोई एहसान नहीं है, इस विलायत के मुकाम में जो मैं पहुंचा हूं किसी पीर का कोई एहसान नहीं है मुझ पर, मेरी तरबियत डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। वो ये बुजुर्ग फरमाते थे, वो लताइफुल मैनान में लिखा हुआ देख ले आप। तो एक मरतबा इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह से सवाल करते हैं, क्या अल्लाह का वली गुनाह कर सकता है? तो इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ऐन ज़ाते इलाही का मुशाहिदा कर रहा हो तब भी गुनाह कर सकता है। आज तो हमने अपने पीरों को मासूम बना लिया, हाँ जी पीर साहब ने बोल दिया तो बस जी वो तो गलत हो ही नहीं सकता, पीर साहब ने बोल दिया तो आखिरी बात है जी, उसमें तो कोई एहतमाल है ही नहीं है, समझ रहे बात, उसमें कोई एहतमाल है ही नहीं है। बिल्कुल गलत अकीदा है, मासूम सिर्फ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और फरिश्ते हैं, उनके गैर कोई भी मासूम नहीं है, महफूज है। महफूज का मतलब उनसे गलती हो सकती है, गुनाह हो सकता है। जब इमाम शाज़ली ने यह बात कही उस वली के सामने तो वली खड़े हो गए और कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि तुम अल्लाह के वली हो, मैं गवाही देता हूं कि तुम अल्लाह के वली हो। और यही बात जुनैद बगदादी से पूछी गई रिसाले कुशेरिया में, हयज़नी वलीउल्लाह, कि क्या अल्लाह का वली जिना कर सकता है? फरमाया कि वकान अमरुल्लाह कदरम मकदूरा, कि अल्लाह का जो हुक्म होता है वह होके रहता है। तो ये अकीदा हमें दुरुस्त करना चाहिए, जो आज हमने अपने पीरों के बारे में अकीदे बना लिए हैं कि भाई उसका एहतराम अलग है, उसकी राय का एहतराम अलग है, लेकिन उसको मासूम समझना ये गुमराही है, और जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा गुमराही हमारे यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। तो यहाँ पर जो इस्मत तलब की गई है वो हिफाजत तलब की गई है। हरकत व सकनात, इंसान की दो ही हालत होती है, या तो हरकत में होता है या सकून में होता है, यानी तो हर हालत में हमारी हिफाजत फरमा। फिर वल कलिमात, और कलिमात में हमारे कलिमात में हिफाजत फरमा, यानी ज़बान से जो बात निकलती है, और ज़बान से जो बात निकलती है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। हदीस शरीफ में आता है कि लोग जो जहन्नुम के बल मुंह के बल गिराए जाएंगे जहन्नुम में, वो ज़बानों की खेती की वजह से गिराए जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपने अल्लाह से हिफाजत तलब कर ली, ए अल्लाह तो हमारे मुँह से एक ऐसे कलिमे ना निकलने दे जो तेरी नाराज़गी का बाइस हो। वल इरादाती वल खतराती, ये इरादे और ख़तरे, ये सोच के दो मकामात हैं। असल में क्या है, सोच का एक सिस्टम है जो अल्लाह तबारक तआला ने हमारे अंदर पैदा किया है, और फरिश्ते इसके लिए मुकर्रर हैं, और शयातीन भी इस काम के लिए। तो वो इंसान के दिमाग में सोच को पैदा करते हैं। अभी यहाँ पर आप मेरी बात सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, मुमकिन है कि मेरी बात सुनने के दरमियान में आपको अचानक कोई ख्याल आया हो, फिर वो चला गया होगा। तो जो पहला ख्याल आता है उसको कहते हैं हाजिस, हाजिस, उसमें भी कोई पकड़ नहीं है। फिर इंसान उस पर थोड़ा सा गौर करता है तो वो ख़तरा कहलाता है, खतरा, ये ख़तरा कल्बी कहते हैं, तो वो ख़तरा कहलाता है। और उसके बाद इंसान जब उस पर ज़्यादा गौर करता है तो वो हदीस-ए-नफ्स कहलाता है।
ये तीन दर्जे हैं जिनके बारे में हदीस शरीफ में आया कि ये माफ है, मेरी उम्मत की पकड़ इन पर नहीं है। हाँ, हदीस नफ्स के बाद जब उसमें पक्का हो जाता है तो फिर उसको कहते हैं इरादा। तो बाज़ उलमा ने कहा कि इरादे पे पकड़ है, और बाज़ ने कहा कि नहीं, इरादे से आगे एक और दर्जा है जिसका नाम है अज़्म। तो अज़्म पर इंसान की पकड़ होती है, बाज़ ने कहा इरादे पे पकड़ होती है। तो इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने पहला और आखिरी दोनों ही दर्जों की पनाह मांग ली है कि इरादा हो या दिल में ख़तरा आए, दोनों से ही तेरी जो है पनाह मांगते हैं हम इस्मत तलब करते हैं, हम तुझसे हिफाजत तलब करते हैं। क्योंकि जब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि जब यहीं पे अल्लाह ताला हिफाजत फरमा देगा तो आगे फिर बुरे ख्यालात भी नहीं आएंगे, जब बुरे ख्यालात नहीं आएंगे तो फिर ज़बान भी बुरी नहीं चलेगी, और जब बुरा ज़बान बुरी नहीं चलेगी तो हरकतें भी फिर बुरी नहीं होंगी। तो आपने यहाँ पर अल्लाह ताला से हिफाजत तलब की। अच्छा, अब इसके अंदर क्या मसाइल क्या होते हैं सोच में, सोच में इंसान को मसाइल जो होते हैं, फरमाया कि मैंने शकू की व जुनूनी वल अवहामी, शकूक शक की जमा, जुनून जन की जमा, अवहाम वहम की जमा, और ये तीनों के तीनों भी सोच के ही दर्जे हैं। कि शकूक जो है उलमा जानते हैं तसावी तरफेन हो तो उसको शकूक शक कहते हैं, और जुनून जब एक एक जानिब राजे हो जाए तो उसको जानिब मुस्बत जानिब राजे हो जाए तो उसको जन कहते हैं, और बिला दलील कोई चीज़ राजे हो और ख़ास तौर पर जो गलत साइड है उसको वहम कहते हैं। तो ये अब इसकी तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन इशारतन मैंने ये बात जिक्र कर दी है। तो ये इंसान को तीनों की तीनों चीज़ें पैदा होती रहती हैं। तो इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस सब से पनाह मांगी, उसकी वजह क्या है, सातिरत लिल क़ुलूब, क्योंकि ये चीज़ें दिल पर पर्दा बनती हैं, ये वहम, ये शक, ये जन, ये दिल पे पर्दा बन जाते हैं। अन मुतालिया तिल गयूब, गैब की बातों के मुताला करने पर। असल में बात क्या है कि जब इंसान अल्लाह का जिक्र करना शुरू करता है तो उस पर फिर तजल्लियात होना शुरू हो जाती है, और तजल्लियात की पहचान बड़ी मुश्किल होती है, और जो ख़ास तौर पर अहले इल्म में से ना हो तो वो तो तजल्लियात को समझ नहीं सकता। मुजद्दिद अल-फ़ज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी एक तजल्ली का जिक्र फरमाया है कि मुझे औरतों के लिबास में उसकी तजल्ली नज़र आई। ये बाकायदा मकतूबा शरीफ में देखें आप। तो तजल्लियात मुख्तलिफ़ सूरतों में होती है, तो तजल्लियात हक़ की तजल्ली होती है, क्योंकि जो हक़ को याद कर रहा है, हक़ का जिक्र कर रहा है, तो हक़ की तजल्ली होगी आप पर, तो हक़ की तजल्ली होती है। लेकिन चूँकि हम हमारी तरबियत नहीं होती, हमें इल्म नहीं होता, तो हम उसको हक़ की तजल्ली नहीं समझते बल्कि गैर की तजल्ली समझते हैं, उसको शैतान की तजल्ली समझते हैं। और हदीस शरीफ में भी है, एक रिवायत में आता है कि बल्कि खुलासतुल अज़र में अल्लामा सैयद मोहम्मद काविक जी रहमतुल्लाह ने इस रिवायत को बयान किया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी तजल्ली फरमाएगा जिसके बारे में बंदों को मालूम नहीं होगा, तो सारे बंदे इनकार कर देंगे, ये हमारा रब नहीं है, ये हमारा रब नहीं है। फिर अल्लाह तबारक तआला उन पर वो तजल्ली फरमाएगा जिससे वो आगा होंगे, तो सब पहचान लेंगे ये हमारा रब है। तो इसी तरह तजल्लियात होती है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रआईतु रब्बी फी सूरत शाबिन, अब ये तजल्ली की एक सूरत है कि मैंने जवान की सूरत में अपने रब को देखा। तो ये तजल्लियात होती है, उनको पहचानना होता है, और सोबत में होता तो इंसान को फिर पहचान होती है कि हाँ ये तजल्ली रहमानी है, शैतानी नहीं है। तो ये शकूक व शुबात जो है आके काम ख़राब कर देते हैं, वहाँ पे आके तजल्ली हक की होती है, हम शक में पड़ जाते हैं और हम उसको समझ नहीं पाते। और अक्सर ये तजल्लियात अहले इल्म पे होती है, मगर अहले इल्म चूँकि इन बातों से वाकिफ़ नहीं होते तो उसको कुछ समझ रहे होते हैं या उसको अहमियत नहीं दे रहे होते, वरना अगर वो उसकी हकीकत को समझ जाएँ तो उनको बहुत कुछ मामलात खुल जाएँ उनके ऊपर। तो इसलिए इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर अल्लाह ताला की पनाह तलब की और फरमाया कि अच्छा 7 मिनट रह गए, चलो फिर ठीक है ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी तो इसकी शराह रोज़ा खोलना है अभी।
मसला है, रोज़ा खोलना है, फिर हाँ, और इसके बाद अजान होनी है, सारे काम हो रहे हैं। तो बहरहाल इसकी शरह पढ़नी चाहिए और शरह इसकी बड़ी ज़रूरी है। मुझे अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह पूरी शरह अलग से रिकॉर्ड कर दूँगा। लेकिन जब भी मैं शुरू करता हूँ एतकाफ़ के अंदर तो यही होता है, दो चार लाइनों की बात होती है, उसके बाद फिर वो रोज़े का टाइम हो जाता है। वो बाकी टाइम में बैठ नहीं सकते कि आपके पढ़ाई का टाइम है, उसमें आपको पढ़ाया करनी होती है। तो बहरहाल ये तजल्लियात अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और जिस तरह बंदे के लिए ये लाजिम है कि दूसरे की विलायत की तस्दीक करे, तो अगर अल्लाह ने उसके अंदर भी वो चीज़ रखी है तो खुद भी उसकी तस्दीक करे। ये वही चीज़ है आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बी वल मोमिनून। मोमिनों को तो रसूल पे ईमान लाना ही लाना है, मगर रसूल भी ईमान लेकर आता है कि मुझ पर ये अल्लाह की तरफ से आ रही है। तो ऐसे ही लोगों को भी चाहिए कि वली की तस्दीक करें, मगर जिसके ऊपर वो हाल नाजिल हो रहा है उसको भी चाहिए कि तस्दीक करें। ऐसे मुंह फेरता रहेगा तो कभी नहीं समझ पाएगा। अगर अल्लाह करम फरमा रहा है तो उसको समझ लेना चाहिए कि अल्लाह का करम हो रहा है। और आपका यहाँ पर आ जाना, अल्लाह के घर में जमा हो जाना, दुआ के लिए बैठ जाना, उसके जिक्र के लिए बैठ जाना, ये भी करम ही उसका। तो उसकी तस्दीक करें कि अल्लाह ने करम फरमाया। चलो अपने रोज़ा का इफ्तार करें, अल्लाह ताला खुश रखे। जज़ाक अल्लाह। हाँ नहीं, ये कर लेंगे दुआ, क्योंकि अभी